Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are going well. So today I'm telling about Rica wax and how to use at home. This is the Rica wax and I bought from Amazon. This pack size is 800 grams and it is suitable for all skin types. And this is a stripless wax, so no need of strips. Now I'm going to open this. This is a come in sealed packaging. ये बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसे मेल्ट करने के लिए मैं सबसे पहले गैस के ऊपर रखूंगी। जब ये हल्का मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसे वैक्स हीटर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेल्ट हो चुका है, अब इसे मैं वैक्स हीटर में ट्रांसफ़र कर लूँगी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और वैक्स हीटर को नॉर्मल टेम्परेचर पे सेट कर दूँगी। आप सब देख सकते हो कि ये पूरी तरह मेल्ट हो चुका है। मेल्ट होने के बाद भी इसका टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल होता है, जिससे हमारे स्किन के बर्न होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। अब यहाँ पे मैं वैक्स को अपने हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ। इस वैक्स से काफ़ी थिन हेयर भी रिमूव हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ भी काफ़ी लेट से होता है। जब आप इसे 10 टाइम यूज़ कर लोगे तब आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसके प्राइस के बारे में भी बता दूँ। सैलून में इसका प्राइस, हाफ आर्म्स का प्राइस 350 अप्रॉक्स होता है। अकॉर्डिंग्स टू बेनिफिट्स इसका प्राइस काफ़ी अच्छा है। इसे पुल ऑफ करने के लिए हमें किसी भी स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं है। 30 सेकेंड बाद हम इसे हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में पुल ऑफ कर लेंगे। हेयर रिमूव करते टाइम इसे काफ़ी कम पेन होता है। नॉर्मल वैक्स के कंपैरिजन में रिका वैक्स काफ़ी कम स्टिकी होता है, जिससे हम इसे इजीली पकड़ के पुल ऑफ कर सकते हैं। वैक्स करने के बाद हम रिका के पोस्ट वैक्स ऑयल या फिर किसी भी ऑयल से मसाज करते हुए उस जगह को क्लीन कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी तरह क्लीन हो चुका है। Now this is my skin. After that, I achieved a smooth and soft skin.